हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन पार्ट टू पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी हमारा क्या होगा, वन वेरिएबल यानी एक चर या एक घातीय समीकरण। इस चीज़ को हम देखते हैं टोटली फुल डिटेल के साथ, कैसे डिफिनीशन है, क्या चीज़ है, क्या व्यंजक है, क्या पद है, इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करें, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके आइए फ्रेंड्स, तो देखिए वन वेरिएबल यानी एक चर का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिफिनेशन है इसका, अगर किसी समीकरण में मौजूद चर राशि के घात एक हो तो उसे एक घातीय समीकरण कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। समझ पा रहे होंगे कि अगर किसी समीकरण में मौजूद चर राशि के घात एक हो तो उसे एक घातीय समीकरण कहते हैं, यानी जिस भी समीकरण का घात यानी जो चर राशि है वेरिएबल होता है अगर उसका घात एक है तो वो कौन सा समीकरण होगा, रैखिक समीकरण होगा या एक घातीय समीकरण होगा या एक चर वाला समीकरण होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए चीज के और इस चीज़ को हम समझते हैं कि चर क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, चर राशि हम किसे कहते हैं, ठीक है। परिवर्तनशील जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। यानी चर जो होते हैं वो क्या होता है, परिवर्तनशील होते हैं, उनका मान जो है समय के साथ बदलते रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। अंग्रेजी के सारे अक्षर चर राशि होते हैं, अंग्रेजी के सारे लेटर्स जो है वो क्या होते हैं, वो चर राशि होते हैं। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी लेटर्स हैं वो सब क्या हैं, चर राशि हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, अचर राशि अपरिवर्तित जिसका मान समय के साथ कभी नहीं बदल सकता, ठीक है। अचर राशि हम किसे कहते हैं, ये अपरिवर्तित होता है, जिसका मान समय के साथ कभी नहीं बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। सभी प्रकार की संख्याओं को अचर राशि कहते हैं, यानी संख्याओं यानी जितने भी गिनती की संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 100 ग्राम, kg, मिलीग्राम जितने भी हैं ये सब क्या है, ये सब अचर राशि हैं। इनका मान कभी भी नहीं बदलता है और ना ही कभी चेंज होता है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे क्या होता है, चर यानी वेरिएबल क्या है और अचर यानी कांस्टेंट क्या है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम समझ जाएंगे अच्छे तरीके से तो फिर हमें क्वेश्चंस वगैरह करने में कोई भी समस्या या प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को देखिए, जैसे क्या है, चर यानी जो है हमारे वेरिएबल हैं वो क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स की वैल्यू आज क्या है, 2 है, तो ये जो एक्स की वैल्यू मान लीजिए 2005 में या 2022 में ही मान लीजिए एक्स की वैल्यू क्या है, 2022 में 2 है, तो ये वैल्यू चेंज भी हो सकता है 2023 में, ये वैल्यू 2004 में या 2005 में 2006 में कुछ भी बदल जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या है, या तो 2 भी हो सकेगा फिर, या बदल सकता है तो 4 भी हो सकता है, या एक्स की वैल्यू 6 भी हो सकता है। लेकिन अचर राशि जो होती है ये कभी भी अपरिवर्तित होती है, कभी नहीं बदलती है समय के साथ। जैसे मान लीजिए 1, आप कहते हैं ना 1, 2, 3 या 1 kg कहते हैं कि नहीं, 1 kg, तो ये क्या है, आज एक साल बाद भी आप 1 को 1 ही पढ़ेंगे, 2 साल बाद भी 1 को 1 ही पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए 1 kg, 1 kg है तो आज भी आप 1 kg ही पढ़ रहे हैं, आने वाले 2-4 साल बाद या 20 साल या कितने सालों बाद भी आप 1 kg ही पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, ये अपरिवर्तित होती है, इसका समय के साथ मान कभी नहीं बदलता, ठीक है। अचर राशियां कभी भी नहीं बदलती और चर राशियां समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे चर क्या है यानी वेरिएबल क्या है और अचर यानी कांस्टेंट क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम देखते हैं व्यापक रूप यानी लीनियर इक्वेशन का व्यापक रूप क्या होता है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए व्यापक रूप यानी उसका फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी बराबर सी, ठीक है फ्रेंड्स। इसको यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ax प्लस बी बराबर सी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण का जो है वन वेरिएबल यानी एक चर का व्यापक रूप कैसा होता है, ax प्लस बी बराबर सी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये a क्या है, ये x क्या है और ये b क्या है और ये c क्या है, इस चीज़ को हम जानते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था ना कि इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, वेरिएबल यानी चर राशियाँ होती हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स जो है हमारा है वो क्या है, एक चर है, ठीक है। ये जो हमारा एक्स है वो क्या है,
ये एक चर राशि है, ठीक है, यानी इसे हम वेरिएबल कहते हैं। और ये जो ए क्या है, ये ए है वो हमारा क्या है, अचर राशि है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ पा रहे हैं। एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा चर राशि है, और अचर राशि क्या है, ए जो हमारा है वो अचर राशि है। यहाँ पे बी भी क्या है, ये भी हमारा अचर राशि है, और ये जो सी है ये भी क्या है हमारा अचर राशि। अचर राशि में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, 1, 2 यानी गिनती की संख्याएं जितनी भी होती हैं वो क्या होती हैं, सब अचर राशि में आती हैं। और चर राशि में इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी ए बी सी डी एक्स वाई जेड ए टू जेड, जितनी भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब क्या है, चर राशि हैं। और जितनी भी अचर राशियाँ होती हैं वो सब क्या होती हैं, गिनती की संख्याएँ होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए। ये था इसका व्यापक रूप, ठीक है। अब इस चीज़ को हम इसके आगे समझते हैं, इसमें गुणांक क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग गुणांक यानी लीनियर इक्वेशन का या रैखिक समीकरण का गुणांक क्या होता है उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए गुणांक क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 5x, ठीक है, 5x है। मान लीजिए आप कोई भी समीकरण बन सकता है, बराबर 0, 4, 2, 1 कुछ भी बन सकता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर हम 2 रख दे रहे हैं, 5x + 4 = 2। अब इसमें हमें पता करना है गुणांक क्या होता है, गुणांक को हम लोग पहचानते कैसे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो x के साथ यानी ये जो चर है, चर के साथ जो हमारा अचर का रिलेशन है, ये क्या है, ये गुणांक है। दिख रहा है कि नहीं आपको यहाँ पे, 5x का मतलब क्या हुआ, 5x है, तो यानी ये संख्या क्या है, जो x के साथ 5 है हमारा वो क्या है, गुणे के रूप में है, ठीक है। 5 का रिलेशन क्या है x के साथ, मल्टीप्लाई क्या है। फर्क यही है कि x क्या है, चर राशि है, ठीक है, और 5 क्या है, अचर राशि, ठीक है, 5 क्या है, अचर राशि। तो हम कह सकते हैं x का गुणांक क्या है इसमें, 5 है। समझ पा रहे हैं, गुणांक को आप अच्छे से समझिए। गुणांक का मतलब क्या होता है, जो अचर राशि के साथ चर राशि का जो रिलेशन होता है, यानी जो संबंध होता है एक चर राशि और एक अचर राशि के साथ, एक साथ जो रिलेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका गुणांक। यानी यहाँ 5 का x के साथ क्या रिलेशन है, यानी 5 × x, यही रिलेशन हुआ ना। तो इन दोनों के बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं, गुणांक, गुणांक कहते हैं, ठीक है, समझ पाए। चलिए अगला रूप हम देखते हैं इसका, व्यंजक रूप जो होता है, यानी व्यंजक क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उस चीज को हम समझते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग समझते हैं व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, व्यंजक जो हमारा होता है, जैसे मान लीजिए लिख दिया हम x + 4, कितने लोग कहेंगे कि ये एक समीकरण है, जी नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ये एक समीकरण नहीं है, ये क्या है, एक व्यंजक है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं व्यंजक। जैसे मान लीजिए लिख दिए 5x, ये क्या है, ये एक व्यंजक है। जैसे लिख दिए मान लीजिए 4x + 3 + 4, ये क्या है, ये एक व्यंजक है, ठीक है। समीकरण कब बनता है इसके बारे में अब हम लोग इसके बाद जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करिए, ये क्या है, ये एक व्यंजक है, यानी लीनियर इक्वेशन जितने भी होते हैं ये सब इसके क्या है, एक व्यंजक है। x + 4, 5x, 4x + 3, इस तरह के फॉर्म में जितने भी आते हैं वो सब क्या होते हैं, व्यंजक होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। समीकरण हमारा तब बनेगा जब उन दोनों के बीच समता का रिलेशन आएगा, यानी इक्वल्स टू का, ठीक है। तो इसको नोट करिए, तब आगे हम देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं, समीकरण हम किसे कहते हैं। अभी हमने इससे पहले क्या समझा, व्यंजक, ठीक है, कि व्यंजक क्या होता है, लोग व्यंजक को ही, जैसे मान लीजिए व्यंजक हमारा क्या होता है, x + 4, 5x, इस तरह से करके रहता है, तो उसको लोग क्या कहते हैं, समीकरण, जबकि वास्तव में वो समीकरण नहीं होता है। समीकरण तब होता है जब उन दोनों के बीच समता यानी इक्वल्स टू, बराबर का रिलेशन हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। जो व्यंजक हमारा होता है, जैसे हम कोई संख्या नहीं मानते हैं कि माना संख्या एक्स, ठीक, माना संख्या एक्स, राम आज से 4 साल पहले बड़ा है, यानी ऐसे करके नहीं आता, जिसको हम मानते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो व्यंजक के रूप में होते हैं। और जब इन दोनों के बीच में समता का रिलेशन यानी इक्वल्स टू का रिलेशन आ जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है, समीकरण। तो आइए इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड, समीकरण, समता का चिन्ह आ गया, जिससे इसके दो हिस्से हो गए, एक दायां तरफ और
दूसरा बायां तरफ, तो उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण। जैसे मान लीजिए x प्लस फोर इक्वल्स टू सिक्स, यानी x प्लस फोर बराबर सिक्स, तो इन दोनों के बीच में किसका रिलेशन आ गया, समता आ गया कि नहीं, समता यानी इक्वल्स टू, बराबर का चिन्ह लग गया, तो ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, एक ये एक समीकरण हो गया, ठीक है। और वही सिर्फ हमारा अगर यहाँ पे x प्लस फोर होता तो ये क्या है, ये एक व्यंजक है, और ये हमारा पूरा कंप्लीट क्या हो गया, समीकरण, ठीक है। अगर जहाँ भी बराबर का चिन्ह लग जाता है वो बन जाता है समीकरण, और जहाँ भी अगर सब बराबर का रिलेशन नहीं है या बराबर का संबंध नहीं लगा है या बराबर का चिन्ह नहीं लगा है तो वो हमारा क्या होता है, व्यंजक। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, तो चलिए नोट डाउन करिए, अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन में, यानी रैखिक समीकरण में या एक घातीय समीकरण में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एक घातीय समीकरण क्या होता है, एक घातीय का मतलब क्या होता है। जैसे देख लीजिए फिर से, x का पावर 1 है तो वो क्या है, एक घातीय है। x की पावर जो है, यानी पावर बोले तो डिग्री, डिग्री समझ रहे हैं ना, डिग्री, इसे कुछ लोग कोटि भी कहते हैं, यानी x की पावर अगर 1 है तो हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन होता है, यानी एक घातीय समीकरण होता है। और वहीं पे अगर हमारा x के पावर 2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो हमें क्या लिखा है यहाँ पे, वन वेरिएबल यानी एक चर यानी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। वन वेरिएबल का मतलब एक चर, चर समझ रहे होंगे, x, y, z, ये क्या होता है, ये चर है। तो x का मतलब क्या हो गया, वन वेरिएबल यानी एक चर, y हो जाएगा तो दो चर, और z हो गया तो थ्री चर, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या है, एक घातीय है, यानी एक चर, कोई भी एक ही चर हम लेंगे इसमें, या तो x हो या y हो या z हो, कोई एक होगा इसमें, ठीक है। उस चीज़ को हम सॉल्व करना सीखेंगे इस में, इस वीडियो में हम लोग उस चीज़ को सॉल्व करना सीखेंगे, किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि व्यंजक और समीकरण आप इस तरह पे अभी समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। ओके गाइस, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन यानी वन वेरिएबल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, हल करते हैं। देखिए कैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हल करने का तरीके देखिएगा। पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 15, तो x का मान क्या होगा, 5x माइनस 10 बराबर 15, तो x का मान क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना होगा। तरीका हमारा क्या होगा, देखिए हल करने के तरीके जो है वो हमारा क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, यानी चर राशि जितनी भी है उसको हम क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे, और तथा अचर राशियां एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, चर राशि को एक तरफ लिखेंगे और अचर राशि को एक तरफ लिखेंगे, सॉल्यूशन का ये हमारा पहला मेथड होगा, ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन जो भी है वन वेरिएबल्स उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला मेथड क्या है हमारा, चर राशि को एक तरफ कर लेंगे और अचर राशि को एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, चर मतलब समझ रहे हैं ना, जिसके साथ x लगा है, x हो y हो z हो abc कुछ भी हो, जिस जिसके साथ लगा है उसको एक साइड और नंबर वाला पार्ट एक साइड, ठीक है, यानी जिसके साथ चर लगा हुआ है उसको एक साइड और जिसके साथ नंबर पार्ट है यानी अचर राशि है उसको एक साइड कर लेंगे। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 5x, इसको एक साइड कर ले रहे हैं जिसके साथ चर लगे हुए हैं, समझ पा रहे हैं, ये क्या है, अचर है और ये चर है, तो चर जिसके साथ लगे हैं उन सब को हम एक साइड कर लेंगे, बराबर के चिन्ह के एक साइड हम क्या कर लेंगे, जितने भी चर राशियां हैं सबको एक साइड और जितने भी अचर यानी संख्या वाली संख्या उनको सब हम एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए 5x हमारा क्या हो गया, एक साइड, और पहले से यहाँ पे क्या है, बराबर के इस साइड क्या है 15 पहले से है और माइनस 10 उधर हम भेज रहे हैं, तो ये माइनस है तो इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा और 10 आके यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 5x बराबर 10 में 15 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 25, ठीक है। और ये 5 क्या है, x के साथ गुणा में है, अभी हमने बताया ना कि गुणांक क्या होते हैं, 5 जो है x के साथ गुणा में है, तो x को हम यहाँ रहने देंगे और 25 को इधर ऐसे लिखते हैं, और यहाँ भी ये क्या है 5 गुणा में है, तो इधर जब हम बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड यानी भाग में चला जाएगा,
तो 5 से भाग दे दिए तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे लिख दिए x की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 5, x बराबर 5। अब हम लोग इसको चेक कैसे करेंगे कि क्या हमारा x का मान 5 सच में आया है या जो हमने लीनियर इक्वेशन अभी सॉल्व किया है ये सही है या गलत है। तो इस चीज़ को चलिए हम चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम जांच कर लेते हैं कि हमारा इक्वेशन सही है कि नहीं। अब यहाँ पे लिख रहे हैं जांच का तरीका, ठीक है, जांच का तरीका कि आखिर हम लोग चेक कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो x की वैल्यू जो आया है हमारे पास उसको हम क्या करेंगे, x की जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है, यानी x की जगह पे उसको हम लिख देंगे। समझ पा रहे हैं? तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या है, सही है। अगर कोई भी x पक्ष हमारा बराबर नहीं होगा तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा x की वैल्यू कितना निकाले हैं 5, तो जहां x है वहां इसको क्या करेंगे रख देंगे। ये 5 है, x है ना, तो 5 x की जगह पे हमें क्या रखना है, x का मान तो कितना आया है 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि ये देखिए 5x है तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है ना। तो x की वैल्यू x की जगह पे हम मान रख देते हैं यानी क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5। दूसरी तरफ क्या है 15 प्लस 10, इसको ऐसे ही लिख देंगे 15 प्लस 10। 5 में 5 से गुणा किए तो कितना आ गया 25, और 15 में 10 को जोड़ दिए तो कितना आ गया 25। आपको दिख रहा है दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में क्या बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर है, यानी हमारी x की वैल्यू क्या होगा 5 ही होगा और ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ पा रहे हैं? 5x-10=15 को अगर सॉल्व करेंगे तो x का मान आप क्या होगा 5 होगा। समझ गए इस बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं? आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, वन वेरिएबल यानी एक चर के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो ये हमारा सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी जो मैंने आपको ये तरीका बताया ये पहला मेथड था, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, जहां भी इस तरह के दिख जाए लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हो तो चर राशि एक तरफ कर लेंगे बराबर के और अचर राशि एक साइड कर लेंगे बराबर के, ठीक है, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, चर राशि को एक तरफ कर लिया बराबर के और अचर राशि जो भी है उसको हम एक तरफ कर लिए बराबर के, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में 10 था तो इधर गया भाई, माइनस है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो प्लस हो गया, तो 5x बराबर क्या हो गया 25, और 5 क्या है यहाँ पे इसके साथ x के साथ गुणे में है, तो जब हम बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, तो भाग देंगे तो x का मान कितना आ गया 5। अब हमें चेक करना है कि x का मान हमारा 5 सही है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे जहाँ भी हमारा x है समीकरण में वहाँ पे हम x की जगह 5 को रख देंगे। तो देखिए समीकरण में क्या है 5x यहाँ पे हमने किया है 5x बराबर 15 प्लस 10 है, तो x की जगह पे हम क्या करेंगे 5 का मान रख देंगे, तो क्या हो गया यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15 प्लस 15। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर हमारा बराबर हो गया तो आंसर हमारा सही है। तो 5 में 5 से गुणा किया 25 और 15 में 10 ऐड कर दिया तो क्या हो गया 25, यानी हमारा आंसर क्या है सही, यानी x का जो मान आया वो क्या है करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो नेक्स्ट तरीके हैं लीनियर इक्वेशन के वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।